सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज राघव अरोड़ा। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर की, आपके सिलेबस की, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो गाइज, आप लोगों को बता दूं जिन बच्चों को ना पता हो कि ट्रिग्नोमेट्री यार आपके 10th में भी थी, 11th में ये चैप्टर टपक गया, 12th क्लास में आपको आ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री तो आपकी जान नहीं छोड़ने वाली है। तो मेरा आपको सजेशन है कि इसको सीखने में ही भलाई है, अच्छे से इसको सीख लेना गाइस। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कुछ बेसिक्स इस वीडियो में। बेसिकली ये वाला प्रॉपर चैप्टर शुरू नहीं होगा, कुछ बेसिक्स की बात करूंगा मैं आप लोगों से। बेसिक्स में देखेंगे कहां से शुरू हुई थी ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज प्रोसीजरल है, एक सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत है। अगर किसी बच्चे को बेस नहीं पता है तो वो 11th क्लास नहीं पढ़ पाएगा, जिसे 11th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है वो 12th क्लास नहीं कर पाएगा, तो ये एक दिक्कत आती है। तो मेरा सजेशन है 11th क्लास स्टूडेंट और 12th क्लास स्टूडेंट दोनों के लिए ही कि 11th वाले तो इस वीडियो को देखो ही और ट्रिग्नोमेट्री की सारी वीडियोस देखो, लेकिन 12th के किसी भी बच्चे को हल्का सा भी डाउट हो ट्रिग्नोमेट्री में तो इन वीडियोस को जरूर देखो, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो चुका है अब हमारे चैनल पर, ठीक है। इन वीडियोस को जरूर देखो, बिकॉज ये नहीं देखी और ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखी तो आप लोगों की 12th के लिए ट्रिग्नोमेट्री वीक रह जाएगी, और बिना ट्रिग्नोमेट्री के 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आप लोग इसको सीख ही लो तो अच्छा रहेगा। चलो इस वीडियो को बिना देर करे शुरू करते हैं गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो चलो दोस्तों जल्दी जल्दी से आ जाओ, बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल 10th क्लास में कुछ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हुआ था, सिखाया गया था साइन कॉस टेन क्या होता है, तो उन्हीं बेसिक्स को एक बार रिवाइज करने वाले हैं, ताकि जो बच्चे वो चीज भूल चुके हैं वो एक बार रिवाइज कर लें, ताकि 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री हम बहुत अच्छे से पढ़ पाए। वीडियो थोड़ा तेज चलेगा बिकॉज बेसिक्स ने आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है गाइस। तो शुरू करते हैं, सबसे पहली बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है। ट्रिग्नोमेट्री यार आपका 3 वर्ड्स से मिलकर बना है, क्या क्या वर्ड्स हैं वो है, पहला वर्ड है TRIGON, ट्रिगोन, जिसका मीनिंग क्या होता है गाइस, 3, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ट्री, सिर्फ ट्री का मीनिंग होता है 3। नेक्स्ट वर्ड आपका जो है वो है गॉन, गॉन का क्या मीनिंग होता है, गॉन का मीनिंग होता है साइड्स। और तीसरी चीज जो है आपकी वो है मेट्रॉन, उसका क्या मतलब होता है, मेजर, ठीक है गाइस। सो ये 3 ग्रीक वर्ड्स थे जिससे आप लोगों ने मिलकर ट्रिग्नोमेट्री को बनाया, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आता कहां से है। तो आप समझो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री एक तरह का टेक्निक कह सकते हो आप, मैथमेटिकल टेक्निक है जो ट्रायंगल की 3 साइड्स को कनेक्ट करती है। मेजर से क्या समझ रहे हो आप, एंगल, यानी कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल हो इस तरह का, ठीक है, और उसकी 3 साइड्स हैं ए बी बी सी और सी ए, और उसका कोई एंगल है थीटा, तो ये ट्रिग्नोमेट्री मुझे ऐसे रेशियोज दे देगी जिसकी हेल्प से मैं ये जितनी भी साइड्स हैं गाइस उसको इस एंगल से कनेक्ट कर पाऊं। कुछ टेक्निक्स होंगी वो अभी देखते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है गाइस। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई ट्रिग्नोमेट्री की, और ये 3 वर्ड से मिलकर ये बनता है। अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं इस चीज में, और क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा था अपनी प्रीवियस नॉलेज फ्लैशबैक में हम जा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, ट्रायंगल पर ही फोकस करते हैं। तो यार अगर आपके पास कोई इस तरह का ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा, अभी सिर्फ एक्यूट एंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये हो आपका 90 डिग्री ए बी और ये सी, फिर उसके बाद अगर आपको मैं बोल दूं ये आपका थीटा है, तो एक चीज समझने की है वो क्या है, थीटा के जो सामने वाला एंगल होता है ना गाइज, सॉरी थीटा के जो सामने वाली साइड होती है ना उसको क्या बोलते हैं गाइज, उसको बोलते हैं, पहली बात तो ये समझो ये यहां पर थीटा है, अगर यहां पर मैं फाई ले लूं तो आपका कंसर्न एंगल पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप किस एंगल के लिए कंसर्न है। अगर तो आप फाई एंगल के थ्रू स्टडी करना चाह रहे हैं तो फाई मेरा कंसर्न एंगल होगा, अगर थीटा एंगल के थ्रू स्टडी करना चाह रहे हैं तो थीटा मेरा कंसर्न एंगल होगा। अगर मैं बात करूं थीटा की, यानी कि 4 थीटा अगर मैं स्टडी करूं, तो थीटा के लिए ट्रायंगल में समझ लीजिए कि थीटा के जो सामने वाली साइड होती है ना उसको क्या बोलते हैं गाइस, परपेंडिकुलर, यानी कि जो भी एंगल आपका कंसर्न का है उसके सामने वाली, ये थीटा है ना इसके सामने वाली, देखो तीन होती हैं, ये जो सबसे लंबी साइड होती है राइट एंगल के सामने इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हमेशा राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस ऑफ अ ट्रायंगल। अब बची है 2 साइड्स, जो ये वाली साइड होती है ना जिसमें थीटा का दूसरी वाली साइड टच हो रही है इसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, ठीक है, और थीटा के रिस्पेक्ट में ये क्या है गाइस, ये है मेरा साइड ऑपोजिट टू
एंगल थीटा। तो अगर मैं थीटा की बात करूं, फोर थीटा जो मेरी बीसी साइड है, यानी कि जो भी आपका मान लीजिए कंसर्न एंगल थीटा है, तो बीसी साइड मेरे लिए क्या हो जाएगी, इस थीटा के रेस्पेक्ट में जो बिल्कुल सामने वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं गाइस, परपेंडिकुलर। सिमिलरली ये जो एबी साइड है गाइस, जो थीटा के नीचे बिल्कुल जिसमें थीटा टच होकर आ रहा है, एक तो सामने वाली हो गई, हाइपोटेनस तो एक कॉमन हो गया, जो बच गई ना साइड जिससे थीटा का देखो एंगल टच में है, उसको क्या बोलते हैं गाइस, हम हमेशा क्या बोलते हैं, बेस। यानी कि थीटा एंगल के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, बीसी परपेंडिकुलर और एबी बेस। सिमिलरली अगर मेरा एंगल ऑफ कंसर्न फाई हो, अगर मेरा एंगल ऑफ कंसर्न फाई हो, तो जो अब एबी है फाई के सामने वाली, वो मेरा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होते हैं ट्रायंगल में, डिपेंड करेगा आप किस एंगल की स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा एबी, और ये क्या बन जाएगा, सीबी, सीबी बेस बन जाएगा। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है ट्रायंगल का, अगर 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा कोई भी एंगल ऑफ कंसर्न हो, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस आपको ध्यान रखना है कि जिस भी एंगल की आप बात कर रहे हैं उसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है, और जो जिस बेस पर वो एंगल टिका हुआ है उसको क्या बोलते हैं, बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल। तो आप देख सकते हैं कि यही साइड इस एंगल के लिए बेस है, लेकिन इस वाले एंगल के लिए क्या है, हाइपोटेनस। तो पहली बात ये ध्यान रखनी है, बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कैसे जज करेंगे आप, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो यार ट्रिग्नोमेट्री में ना सबसे पहले रेशियोज होते हैं, कुछ रेशियोज होते हैं और उनके कुछ महान से नाम होते हैं, साइन कोसाइन और टैन कोट, बस नाम है, घबराना मत, साइन कोस क्या आ गया। तो आप लोग देखो, अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं और ए बी सी, और फिलहाल हमारा एंगल ऑफ कंसर्न ए की है थीटा, और ये क्या है 90 डिग्री। तो जो पहला रेशियो डिफाइन होता है वो क्या है गाइस, साइन थीटा, या फिर क्योंकि ये ए साइड के ऊपर टिका हुआ है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, साइन ए भी बोल सकता हूं। अगर कुछ ना लिखूं तो इसका क्या मतलब होगा, साइन ए। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन बेसिकली किसके इक्वल होता है, साइन इक्वल होता है साइड अपोजिट। अगर मैं साइन ए की बात करूं, सिर्फ ए की बात कर लेते हैं फिलहाल, साइन ए की बात करूं तो वो क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, या फिर बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, टेनस। तो इसको कैपिटल पी और इसको स्मॉल पी एंड स्मॉल एस से दिखा रहा हूं, बेस को स्मॉल बी से दिखाने जाऊंगा। सिमिलरली अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस क्या होता है गाइस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि अगर मैं साइन की बात करूं तो सी बी, साइन ए की बात करूंगा तो वो क्या होगा यहां पर, सी बी अपॉन हाइपोटेनस, तो एक ही होती है ए सी। सिमिलरली कॉस की अगर मैं बात कर रहा हूं, कॉस ए की बात कर रहा हूं, ठीक है, कॉस ए मेरा किसके इक्वल होगा, कॉस ए होगा ए बी बेस, क्योंकि इस एंगल के लिए तो यही बेस है, ए बी सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली जो टेन ए हो जाएगा, टेन ए क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो ए एंगल के केस में क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन बी ए, यानी कि बी सी अपॉन बी ए। तो बेसिकली आपको सबसे मेन चीज जो याद रखनी है वो रखनी है कि कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन ए क्या होता है गाइस, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है कि क्या क्या कौन कौन सी रेशियोज हैं, जो साइन ए होगा, अगर मान लीजिए साइन सी निकालना होता तो साइन सी पता क्या होता, सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा, सामने वाला ए बी अपॉन ए सी, साइन सी क्या होता गाइस, ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि सी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ध्यान रखेंगे कंसर्न्ड एंगल कौन सा है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से एक बार देख लेते हैं सारी रेशियोज, छह तरह की रेशियोज आप लोगों ने पढ़ी थी, कौन कौन सी, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कोट, देखते हैं जल्दी जल्दी। ए के रेस्पेक्ट में फिलहाल लिखने जा रहा हूं, तो साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो फिलहाल क्या हो जाएगा मेरा, ए के सामने क्या है बी सी, और हाइपोटेनस कौन सी हो गई मेरी ए सी, ठीक है गाइस। सिमिलरली कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और वो क्या होता है गाइस, कॉस ए ए बी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। आई होप आपको बेस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिख रहे होंगे। अब टेन ए क्या होता है गाइस,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए की रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बीसी और बेस ए बी, बीसी अपॉन ए बी, फिलहाल फर्क नहीं पड़ने वाला है, ए बी लिख रहे हो बी ए लिख रहे हो एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट सेट पर, साइन, अब आ जाओ कॉसेक ए पर, कॉसेक ए, जो कॉसेक ए होता है ना गाइस वो जस्ट साइन ए का रिवर्स होता है, यानी कि साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो ये क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी अपॉन बी सी, ठीक है गाइस। सिमिलरली कॉस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है गाइस, सेक ए, सेक ए क्या होता है गाइस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि ए सी अपॉन ए बी, ट्रायंगल में आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और कोट ए क्या होता है, वो होता है टेन ए का उल्टा, यानी कि जो कोट ए मेरा होगा वो क्या होगा गाइस, वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन बी सी। तो ये आपको छह रेशियोज पढ़ने होते हैं, इनकी डेफिनेशंस याद रखना ये क्या होते हैं। यहां से हमने एक चीज सीख ली, यहां से क्या सीखा हमने कि जो साइन ए होता है, या फिर मैं कहूं कि जो कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए क्या होता है गाइस, वन अपॉन साइन ए होता है, ठीक है। और सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है वन अपॉन कॉस ए। सिमिलरली कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है वन अपॉन टेन ए। अब ए से मुझे ज्यादा प्यार नहीं है, जो भी एंगल ऑफ कंसर्न होगा आप वो लिख पाएंगे, अगर सी सी लिख दोगे दोनों जगह तो तब भी ये बातें सत्य हैं। एक चीज और देखनी है, टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। कैसे भैया, कैसे होता है टेन ए साइन ए अपॉन कॉस ए, जल्दी जल्दी देखो। टेन ए क्या है, पी अपॉन बी, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा, पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच। तो इस एच से अगर ये एच कट जाए तो पी अपॉन बी ही बचेगा, और पी अपॉन बी क्या है आपका, टेन ए। इसलिए जो टेन ए होता है वो क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आई होप सब बातें याद आ रही होंगी, कैसे कैसे चलती है सारी चीजें, ये सारे रेशियो आपको ध्यान रखना है। एक बार इनका नाम बोल देता हूँ, इसको बोलते हैं साइन ऑफ ए, इसको बोलते हैं कॉस ऑफ ए, इसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ ए, इसको बोलते हैं कोसिकेंट ऑफ ए, इसको बोलते हैं सिकेंट ऑफ ए, और इसको बोलते हैं कोटेंजेंट ऑफ ए। अकेले साइन का कोई मीनिंग नहीं होता भाई, एंगल तो बताओ किस में लगा रहे हो, अकेले कोस का कोई मीनिंग नहीं होता। कहीं पर लिखा है साइन कोस इलॉजिकल, ठीक है। तो एंगल पता होना चाहिए, जिस एंगल के लिए साइन है तो वो ये रेशोस देगा, ठीक है गाइज। आई होप मेरे को आप अच्छे से बताओ पहले कमेंट सेक्शन में, जब ये देख रहे हो साथ साथ ही कमेंट करके बता दो अगर यहां तक की बात क्लियर हो गई हो, ठीक है। चलो फिर आप आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है गाइस, आगे देखना है ये रेशोस तो क्लियर हो गए। अब मान लीजिए आपको वो दे दे, वो आपको एक दे दे, साइन है वो आपको दे दे थ्री अपॉन फाइव, और आपसे पूछे कॉस ए बताओ टेन ए बताओ, तो ये चीजें कैसे निकलती हैं। साइन ए क्या है, थ्री अपॉन फाइव, तो फॉर द टाइम बींग साइन ए होता क्या है वैसे, साइन ए अगर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि अगर ये एंगल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का, फॉर द टाइम बींग मैं क्या लिख सकता हूं, इसको थ्री लिख सकता हूं और इसको फाइव। वैसे आपको के लगाना चाहिए बिकॉज ये रेशियो है तो इक्वल तो नहीं होता है, फॉर द टाइम बींग आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा गड़बड़ लिख दिया, ये थ्री और ये फाइव, क्योंकि साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आपको क्या करना होगा, आपको ये निकालना होगा, ये निकालने का तरीका क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव स्क्वायर। ए बी क्या आ जाएगा आपका, ए बी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9 जो कि होगा अंडर रूट ऑफ 16 जो कि हो जाएगा 4, ठीक है। और आप यहां पर लिख देंगे 4। अब वो आपसे कोस ए पूछे 4 अपॉन 5 बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन ए पूछे 3 अपॉन 4, जो पूछे वो निकाल दो। तो अगर एक एंगल दिया जाए आपको, एक साइन या कोस कुछ भी दिया जाए, तो बाकी के सारे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप के भी लिख देंगे बिकॉज रेशियो है तो 3 के 5 के मान के करेंगे तब भी के कट जाने हैं, रेशियो तो वही आएगा, ठीक है गाइज। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई हैं अभी तक। इसके बाद जो हमें सीखना है वो क्या है गाइज, इसके बाद कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं जो हमें याद करनी होती है, जैसे कि साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री। सिमिलरली 30 डिग्री के आपको सारे याद करने होते हैं, 60 के करने होते हैं, 45 के करने होते हैं, 90 के करने होते हैं, तो वो देखो कैसे होता है। तो पहले मैं पूरी टेबल बनाने जा रहा हूं, ठीक है, कैसे बनाने जा रहा हूं, ट्रिक सीखो, यहां पर ट्रिक सिखाऊंगा कैसे इनको याद रखना है। आपको बस एक या दो के याद रखने हैं, बाकी सब खुद बन जाएंगे। देखो कैसे, यहां पर अगर मैं लिखूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसके बाद एंगल सीख जाऊं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री,
और 90 डिग्री। पहले बात करते हैं साइन की, साइन थीटा। ओके, थीटा यहां पर थीटा की वैल्यूज हैं सब, साइन 0, साइन 30, साइन 45। कैसे बनती है ये टेबल, साइन के लिए ट्रिक समझो। सबसे पहले क्या करना है, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 इतना लिखोगे, सब पर लगाओ रूट 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 रूट, इतना काम कर दिया। अब सबको 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 2 2 2। समझ आएगा इस आप लोगों को इतना प्रोसेस क्या करा हमने। अब सिंपली क्या करोगे, रूट फोर क्या होता है, 2 होता है, 2/2 क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हटाकर मैं 1 लिख दूं सीधा सीधा, ये √3/2। क्या 2 को मैं √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इससे ये कट जाएगा तो ये क्या बनेगा, 1/√2। ये क्या है, सिंपल √1 तो 1 ही होता है, तो ये 1/2, और √0/2 क्या होगा, 0। तो अगर आप इसको सारे को सॉल्व करेंगे, ट्रिक मैं बता चुका हूं कैसे याद रखना है बस एक साइन का, तो क्या आएगा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, साइन 90 आपका क्या आएगा, 1। अब कॉस थीटा, कॉस कैसे आएगा भाई, जैसे साइन चलता है ना, कॉस जो है उसका उल्टा, पीछे से शुरू हो जाओ, जो साइन 0 है वो कॉस 90, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और फिर 0। आप लोगों को समझ आएगा इस, साइन 30 कॉस 60 के इक्वल होता है, साइन 45 कॉस 45 के इक्वल होता है, साइन 0 कॉस 90 के इक्वल होता है, क्यों होता है अभी बात करूंगा, अभी क्या बात करूंगा, अभी कर लेता हूं, चलो रहने दो, अभी नहीं करता, थोड़ी देर में करता हूं। अगली बात देखो, टेन थीटा, साइन आपको मैंने सिखा दिया ट्रिक से कैसे निकालोगे, कॉस आप जस्ट उल्टा करना है, ऐसे पीछे से लिखना शुरू कर दिया तो ये बन गया। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1 0, 1/√2/√3/2 1/√3, 1/√2/1/√2 1, √3/2/1/√2 √3, 1/0, 1/0 जिंदगी में कभी भी आएगा तो क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, और कहीं पर 1/0 बन रहा होगा तो उस वैल्यू को हटा देना जो 1/0 बना रही है, नफरत है मैथ्स को 1/0 से, ठीक है, तो ये क्या आएगा, अनडिफाइंड। कुछ लोग इसको इन्फिनिटी भी लिख देते हैं, वो गलत होता है, ये अनडिफाइंड ही होता है गाइस, इन्फिनिटी मत बोलना इसको, ठीक है, इसके फंडे लिमिट्स में बताऊंगा मैं आपको क्या होता है ये अनडिफाइंड लिमिट का उनका। अब साइन कॉस टेन आ गया, बाकी के मैं नहीं लिखने वाला हूं, क्यों नहीं लिखने वाला हूं, अगर मैं कॉसेक का एक का लिख भी दूं तो वो सिंपली क्या होगा, 1/sin 1/0, यानी कि अनडिफाइंड, 1/1/2 सिंपली 2, 1/1/√2 सिंपली √2, 1/√3/2 यानी कि 2/√3, और 1/1 क्या होगा, 1। सिमिलरली sec कैसे निकालोगे आप, 1/cos, cot कैसे निकालोगे, 1/10। बेसिकली आपको साइन का बनाना आना चाहिए, उसके बाद तो सब हो जाते हैं। अब मेरा सजेशन, आप लोगों को साइन cos और 10 के याद कर लेने चाहिए। टेबल तो बनाने का तरीका बता दिया, और कंफ्यूजन हो रहा हो तो टेबल बना के चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं साइन 30 क्या है तो आपको बोलना है 1/2, अगर मैं बोलूं कॉस 60 क्या है वो भी 1/2, अगर मैं बोलूं 10/45 क्या है तो वो 1 होगा, सिमिलरली अगर मैं बोलूं 10/90 है तो वो अनडिफाइंड होगा, तो ये सब आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। सिमिलरली बोलूं साइन 90 1 और कॉस 45 1/√2, कुछ भी मैं आपसे पूछूं तो इस तरह से ही आपको याद होना चाहिए जैसे मुझको याद है, ठीक है गाइस। और इस टेबल को आप रेफर कर सकते हो अगर आपको याद ना आ रहा हो, ठीक है, ये टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है, बेसिक्स में ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट टेबल है। कैसे करनी है आपको मैं समझा चुका हूं, ठीक है, याद नहीं हो रही है जिन बच्चों को तो ट्रिक मैं बता चुका हूं, आगे आप संभालो, ठीक है, ये हो गई टेबल। उसके बाद आते हैं यार कुछ फॉर्मूले या कह दो कुछ आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज की बात करने जा रहा हूं। आइडेंटिटीज क्या है गाइज, आइडेंटिटीज आपकी हैं वो क्या है, 3 आइडेंटिटीज आपकी ने पढ़ी थी 10th क्लास में, वो कौन कौन सी है। पहली आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, यूज होती हैं। पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा कोई भी डाल सकते हैं आप डोमेन में से। आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, जो हर वैल्यू की डोमेन से सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकती है, थीटा आप कोई भी डाल सकते हो। अगर ये इक्वेशन होती तो थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती, लेकिन क्योंकि ये आइडेंटिटी है, इक्वेशन और आइडेंटिटी में इतना ही फर्क होता है कि आइडेंटिटी हर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ट्रू होती है, इक्वेशन अगर आइडेंटिटी है, और अगर इक्वेशन हो तो कुछ पर्टिकुलर के लिए ट्रू होती है। खैर उस पर नहीं जाना है, फिलहाल को याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, दूसरी चीज ये याद रखनी है, ये तो आपको याद हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि दोनों को एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, इससे ये कट गया,
cos square theta upon sin square theta क्या होगा? cot square theta. 1 plus cos theta upon sin theta का whole square बोल सकता है इसको, और cos theta upon sin theta क्या होता है? cot theta. cot theta क्यों होता है? Because tan theta होता है sin theta upon cos theta, और जो cot theta है वो tan का inverse है, तो cot theta क्या होगा? cos theta upon sin theta. तो 1 upon cot square theta equals to 1 upon sin square theta क्या होगा guys? जल्दी जल्दी बता दो. cos x square theta. एक आपको ये याद रखनी है. एक दो तीसरी जो आपको याद रखनी है वो क्या है? अब sin square theta plus cos square theta तो सभी लोग याद कर ही लेते हैं, तो sin square theta plus cos square theta equals to 1, इस बार cos square theta से डिवाइड कर लो. cos square theta, इससे ये कट गया, sin square theta upon cos square theta, tan square theta, और ये क्या है? 1. तो क्या मैं बोल सकता हूं 1 plus tan square theta equals to sec square theta. ये वाली आइडेंटिटी भी आपको याद रखनी है. याद ना हो तो एक कर लो, साइन कॉस से डिवाइड करोगे, कंफ्यूजन दूर. कंफ्यूजन यही रहता है कि 1 प्लस कॉट था या 1 प्लस कॉसेक था. तो इसके लिए तो आप यही ध्यान रख सकते हो कि बस ये डिवीजन वाला याद कर लो, और यूज करोगे तो यार कोई कंफ्यूजन नहीं रहता. जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा इस पर प्रैक्टिस बनेगी और आप लोगों की गलती होने का चांस कम हो जाएंगे. तो ये तीन आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है गाइस बेसिक्स में. अगर तेज हो रहा हो तो थोड़ा सा स्लो कर लेना वीडियो को, आपके फोन में ही फीचर होता है स्लो या फास्ट करने का, ठीक है? तो वीडियो के आप सेटिंग्स में जो भी होता है वो यूट्यूब पे ही चेक कर सकते हैं. मैं तेज इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये पढ़ चुके हैं आप, जस्ट एक रिवीजन कराना है, ग्लिम्स देनी है. नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अच्छे से 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री. नेक्स्ट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? नेक्स्ट चीज ध्यान रखनी है कि यार कुछ और रिलेशंस होते हैं, वो ध्यान से सुनो. साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा. सिमिलरली आपको अगर मैं बताऊं तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा से रिलेटेड है, जो सेक थीटा है वो कॉसेक थीटा से रिलेटेड है, और जो टेन थीटा है वो किससे रिलेटेड है गाइस? कॉट थीटा से. तो अब ध्यान से समझो किस तरह से रिलेटेड है. अगर आप किसी एक को 90 माइनस थीटा लिखते हो तो वो दूसरे में चेंज हो जाएगा. किस तरह से? देखो भाई, अगर मैं लिखता हूं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो वो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा. सिमिलरली लिखता हूं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो वो क्या हो जाएगा मेरा? साइन थीटा. अगर लिखता हूं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो वो क्या हो जाएगा? कोट थीटा. अगर लिखता हूं गाइस मैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा तो वो क्या हो जाएगा मेरा? टेन थीटा. अगर लिखता हूं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो वो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा. और अगर लिखता हूं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो वो क्या हो जाएगा? सेक थीटा. अब इसका एग्जांपल देख लो. मान लीजिए आपको दिया जाए टेन 45 डिग्री. आपको होता है टेन 45 और कोट 45 दोनों क्या होते हैं? 1 के इक्वल. क्या मैं टेन 45 डिग्री को टेन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकता हूं? अगर ऐसा लिख सकता हूं तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोट थीटा, यानी कि कोट 45 डिग्री. तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये दोनों क्या है? इक्वल है. सिमिलरली आप लोगों को मैंने कहा था कि जो साइन 30 की वैल्यू है कॉस 60 की वैल्यू है, और अगर आप टेबल देखेंगे तो उसमें भी साइन 30 कॉस 60 बराबर होता है 1/2 के इक्वल. लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, साइन 30 को लिख दूं मैं साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं. 90 माइनस 60 30, लेकिन 90 क्यों बनाया? ताकि मैं इन फॉर्मुलाज को अप्लाई कर पाऊं. ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, 11th क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे बड़े बड़े एंगल्स के लिए. तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा. क्लियरली देख सकते हैं साइन 30 कॉस 60, इसलिए वो आपस में रिलेट कर रहे थे, बिकॉज इन दोनों का सम क्या है? 60 प्लस 30 90, 45 प्लस 45 90. जिन भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और उसका एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होगा. ऐसे ही मैं कह सकता हूं साइन 60 किसके बराबर होगा? कॉस 30 के. क्यों होगा गाइस? क्योंकि देखो दोनों का सम 90. सिमिलरली मैं बोल सकता हूं साइन 15 डिग्री किसके बराबर होगा? कॉस 75 डिग्री के. क्यों? क्योंकि दोनों का सम क्या है? 90. 75 प्लस 15 19. ठीक है गाइस, सो आई होप आपको ये वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं किस तरह से चलता है. इन फॉर्मुलाज को याद रखना है. अब एक चीज आपको और एनालाइज करना है. लास्ट चीज आपको बेसिक्स में ध्यान रखनी है, वो क्या है गाइस? वो है आपका, देखते हैं अभी क्या है. आप लोगों को वैल्यू जज करनी है. वैल्यू जज करनी है किस तरह से? जब आपने साइन की टेबल बनाई थी, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो क्या था? 0, 1/2, 1/√2, उसके बाद √3/2, और क्या था? 1. क्लियरली आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है 90 की तरफ, साइन की वैल्यू 0 से शुरू होकर 1 तक जा रही है.
और अगर मैं cos थीटा की वैल्यू करूँ तो उसका क्या होगा, 1 रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2 और 0। क्लियरली देख सकते हो 0 से 90 में cos 1 से शुरू होकर 0 में जा रहा है, यानी कि 0 से 90 तक साइन क्या है, 0 से 1 में जा रहा है इंक्रीजिंग है, और 1 से 0 में चेंज हो रहा है cos 0 एंगल से 90 तक तो वो क्या है, डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी की बात करूँ तो क्या होता है, असल में इन इस पर्टिकुलर साइन और कॉस की एक फिक्स रेंज है जिसके अंदर ही वैल्यूज आएंगी, आप कुछ भी एंगल डालो। वो क्या है, वो है कि जो साइन थीटा है गाइस वो माइनस वन से वन के बीच में रह सकता है, आप कुछ भी एंगल्स डालो इसके बीच में ही वैल्यूज आती रहेंगी, और कॉस थीटा क्या है, माइनस वन से वन। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं फॉर द टाइम बींग, बाकी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, मैंने आपके सारे बेसिक्स एक बार पॉलिश करने थे और आई होप अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है बेसिक्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे हम लोग और अच्छी बातें करेंगे, तब तक यार पढ़ते रहें बहुत अच्छे से और अपना प्यार जरूर बनाए रखें, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।